साजापुर से करीब 3 किलोमीटर दूर करेड़ी रोड समीप भेरूखेड़ा घर के पीछे खेत में पिता और पुत्र पर मधुमक्खियों ने जानलेवा हमला किया, जिसको बचाने के लिए डायल 100 मौके पर पहुंची और डायल 100 की मदद से सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए घायलों को एडमिट किया गया। डायल 100 में अशोक मालवीय पायलट, 7 में आरक्षक 650 राकेश राठौर के सहयोग से 2 लोगों की जान बचाई गई और तुरंत सरकारी हॉस्पिटल में किया एडमिट। 16 साल का लड़का भी शामिल है, जिसे दूसरे हॉस्पिटल में लेकर सरकारी अस्पताल में किसी डॉक्टर के पते नहीं, मरीज तड़प रहे हैं। हॉस्पिटल में जब भी कोई मरीज को लेकर आते हैं तो डॉक्टर यहाँ अन्य वार्डों में जाके सिस्टरों के आसपास बैठे रहते हैं, जो नर्स डॉक्टर हैं उनके आसपास बैठे रहते हैं और उनसे बात करते रहते हैं। मरीज परेशान होते रहते हैं यहाँ, तो मरीज आते हैं, कई डॉक्टर जो पुरुष डॉक्टर जच्छा वार्ड में जाके बैठ जाते हैं और एक एक 2-2 घंटे बैठे रहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जच्छा वार्ड में जा नहीं सकता, उसको अनुमति नहीं जाने की, जो बाहर का व्यक्ति इलाज कराने आता है, और वो परेशान होता रहता है। डॉक्टरों को ढूंढते रहते हैं, फोन लगाते रहते हैं, डॉक्टर फोन भी नहीं उठाते हैं। साजापुर से फयाज खान की रिपोर्ट।